बता दूं कि जिस इजाज़त की उन्होंने बात की है कि हमारे जद्द आला हुज़ूर सरकार सरकार सैयदना मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला के सबसे बड़े साहबज़ादे और जानशीन हुज़ूर सरकार सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब गीलानी से मुझ तक उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे तक हमारे अब्बा हुज़ूर से मुझ तक जिस सिलसिले की इजाज़त आई और मेरे जद्द आला हुज़ूर सरकार सरकार शाह अब्दुल मुहद्दस दहलवी के पीर सरकार सैयदना मूसा पाक शहीद जमालुद्दीन मूसा पाक शहीद मुल्तानी अलैहि रहमत के फर्जंद सरकार सैयदना मीर सैयद शमशुद्दीन बुखारी कालबुबी अल गीलानी की जो खिलाफत है वो हमारे 400 साल पहले सिर्फ एक मरतबा रशीद अहमद जौनपुरी अलैहि रहमत जो कि पहले ख्वाजा हिशामुद्दीन अलैहि रहमत से बैत थे और प्यास ना बुझ सकी तो किसी सूफी ने फरमाया कि ऐ रशीद तुम्हारी प्यास सिर्फ कालपी में औलाद गौसे आज़म मौजूद है जो इस वक्त इल्म का गहवारा बना हुआ है कालपी शहर उनके पास चले जाए। ये सिलासिल आबन जस कहलाती है और ये इसमें बेटा बाप से ही मुरीद होता है और फरमाते हैं आला हजरत अशफी मियाँ के चौचवी फरमाते हैं किसी ने पूछा ये सिलसिले रशीदिया शमशिया कादरिया बड़ा फ़रोग पा रहा है पूर्वांचल में फरमाया इस सिलसिले का मुरीद इस सिलसिले का पीर वली नहीं बल्कि मुरीद वली होता है। तो अब चूंकि क्या मंजर क्या मामला थे सरकार हबीब रहमत से क्या मामला हजरत के हुए तुम इतनी आसानी से आबन जद के सिलसिले की इजाज़त 400 साल बाद फकीर ने देना शुरू की बड़ी इजाज़त दे रहा तो मैं ही अपनी तमाम सिलसिलों की इजाज़त उस तक आई और सुन ले अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर जिस बारगाह का दामाद और नवासा है उस बारगाह को कहते हैं मखदूम शाह सफ़ी सफ़ीपुरी अलैहि रहमान जिनसे महारारा मुतहरा की कदीम खिलाफत अब्दुल वाहिद गुलरामी से अब्दुल जलील महारारवी से होते हुए सिलसिले आलिया कादरिया चिश्तिया सफ़विया निज़ामिया की जो बारारा पहुँची है उस बारगाह का फ़कीर दामाद और नवासा है वो चार सलासिल जो जदीदा हमारे पास है और बिलखसूस कदीमा सलासिल आबनजद कादरिया शमसिया कालबिया की आप सबको गवाह बनाकर और रूहानी फैज हुजूर हबीब अहमद यार खान साहब के हबीब यार खान साहब की बारगाह में खड़े होकर उनके बेटे को रूहानियत के तौर पर शाहिद जीना को शाहिद बनाकर आप लोगों को शाहिद और गवाह बनाकर अपनी तमाम इजाज़तें हमारे बिरादरे कबीर बिरादरे सगीर मेरे भाई मुफ्ती अहमद यार खान साहब को अता करते हैं और यह खिलाफत और इजाज़त और तमाम नकूस की तमाम अमलियात की जो कि हमें हमारे बुजुर्गों से मिली वो तमाम अल्लाह उसके रसूल को हाजिर ना जानकर और आला हजरत के शहजादे की मौजूदगी में इनको इजाजत और खिलाफत देते हैं और अल्लाह इनको दिन रात नहीं तो भी तरक्की अता फरमाए और ये खिलाफत और इजाजत जब तक इनके साथ है जब तक ये मसलक आला हजरत पर कायम और दायम है। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा इस करम का करो शुक्र कैसे अदा जो सालम मुझ पे मेरे नबी का औलादे गौसे आजम नारे तकबीर मुफ्ती हबीब यार अहमद खान साहब सरकार की महफिल मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया मेरी बात बन गई है मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते